हेलो स्कॉलर्स, आज हम बात करेंगे कि फेमा और फेरा क्या होता है और इसको किस तरीके से फेरा ने फेमा को रिप्लेस किया और किस तरीके से इसने एक दूसरे की प्लेस ली। नाउ कम टू द पॉइंट, फेमा क्या होता है। द फेमा आल्सो रिफर्ड एज द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी फेमा इस तरीके से वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1999 में। द एक्ट वॉज रिप्लेसमेंट हुआ ऑफ द फेरा, फेरा मीन्स फॉरन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेमा केम इन टू इफेक्ट ऑन 1 June 2000। फेमा वॉज पास सिंस फेरा डिन नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द पॉलिसीज बींग इम्प्लीमेंट आफ्टर लिबराइजेशन, यानी इस तरीके से ये हमारे फेमा ने किस तरीके से इसको रिप्लेस किया। फेमा इंट्रोड्यूस अ प्रोमिनेंट चेंज इन द सिस्टम बाय मेकिंग ऑल ऑफेंस पर्टेनिंग टू फॉरन एक्सचेंज एज द सिविल ऑफेंसेस इंटेंट ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस अर्लियर एप्लीकेबल इन केस ऑफ फेरा, इस तरीके से ये एप्लीकेबल हुआ। नाउ फर्स्ट पॉइंट हमारा कि फेमा गिव्स पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्टिविटीज लाइक मेकिंग पेमेंट टू अ पर्सन सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ द कंट्री और रिसीविंग मनी देम, इस तरीके से बाहर से भी रिसीव मनी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस फॉरेन एक्सचेंज एज वेल एज फॉरेन सिक्योरिटी डील्स इन आस्ट्रो रिस्ट्रिक्टेड है किसमें, फेमा में। नाउ सेकेंड पॉइंट है ट्रांजेक्शन्स रिवॉल्विंग अराउंड फॉरेन सिक्योरिटी और फॉरेन एक्सचेंज एज वेल एज पेमेंट मेड फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्री टू इंडिया कैन नॉट बी मेड विदाउट स्पेसिफिक और जनरल परमिशन ऑफ द फेमा। ऑल्सो ट्रांजेक्शन मस्ट बी कैरीड आउट वाया एन इंडिविजुअल हु हैज रिसीव्ड ऑथराइजेशन फॉर द सेम, इस तरीके से हमारा वर्क करता है। नाउ थर्ड हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रिस्ट्रिक्ट एन authorized individual to carry out foreign exchange deals within the current account on the basis of general interest of the public. Now fourth point हमने जो दिया, even through drawing or selling of foreign exchange is carried out via an authorized individual, the FEMA Act empowers the Reserve Bank of India, it means RBI, to place a number of restrictions on the transaction of the capital account. इस तरीके से fifth point क्या कहता है, the Indian resident have the permission to conduct, क्या परमिशन इनके पास फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन के लिए, और द राइट होना चाहिए टू होल्ड और ओन इमूवेबल प्रॉपर्टी इन अ फॉरेन कंट्री इन केस द सिक्योरिटी प्रॉपर्टी और करेंसी वाज एक्वायर्ड और ओन व्हेन द इंडिविजुअल वाज बेस्ड आउटसाइड ऑफ द कंट्री और व्हेन दे इनहेरिट द प्रॉपर्टी फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल स्टेइंग आउटसाइड द कंट्री, इस तरीके से हमारी फेरा और फेमा वर्क करती है। सिक्स पॉइंट क्या है, द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द रेसिडेंट ऑफ एन इंडियंस, ये केवल इन्हीं के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये बाहर की कंट्री के लिए भी एप्लीकेबल होता है। नाउ हमने कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए यहाँ पर कुछ फेरा और फेमा के पॉइंट्स को क्लियर आउट किया है। तो जैसे फेरा है 1973 में आया, फेमा 1999 में आया। फेरा क्या है, इट इज़ एन ओल्ड एग्जेस्टमेंट, इट वॉज पास इन 1973, और फेमा क्या है, इट इज़ एन न्यू एग्जेस्टमेंट और पास हुआ 1999 में। फेरा क्या है, इट इज़ अ लॉन्ग एग्जेस्टमेंट विथ 81 सेक्शन, इट वॉज रिस्ट्रिक्ट इन नेचर, और फेमा क्या है, इट इज़ अ स्मॉल एग्जेस्टमेंट विथ 49 सेक्शन, इट इज़ लिबरल इन नेचर। फेरा क्या है, अप्रोच टुवर्ड्स फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन वॉज वेरी कंजर्वेटिव एंड रिस्ट्रिक्टिव, और फेमा में क्या है, द अप्रोच टुवर्ड फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इज वेरी पॉजिटिव एंड वेलकमिंग, इस तरीके से ये वर्क करता है। जिसमें जो पेनल्टीज होती हैं, फेरा में प्रोविजन वर वेरी हार्ड इन द एक्ट, इम्प्रिजनमेंट वॉज इम्पार्टेड टू द पर्सन वायलेटिंग इट्स प्रोविजन, और फेमा में क्या होता है, इट्स प्रोवाइड्स ओनली द मॉनिटरी पॉलिसी फॉर वायलेटिंग द प्रोविजंस। नाउ फेरा क्या होता है, द स्कोप ऑफ फेरा वॉज वेरी वाइड, इट डील्ड with all the transaction related to foreign exchange, that is anything and everything related to foreign exchange was controlled by FERA. और FEMA में क्या होता है, the scope of FEMA is narrow, deals only the specific transactions related to the foreign exchange, that is it checks and control only those transactions which are specifically mentioned in the act. इस तरीके से ये deal करता है transactions को which are not specially mentioned in its scope, इस तरीके से ये workout करता है। Now इस तरीके से अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।